हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें चार एनिमल्स दिए गए, ए में, बी में, सी एंड डी में। नाउ इसके बेसिस पे हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू ऑफ दीज एनिमल। तो मतलब है कि यहाँ पे चार एनिमल्स दिए गए एंड हमें ऑप्शंस में किसी दो एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कि कॉमन है या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर है। सो उस बेसिस पे हम लोग को बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस फाइलम्स फ्रॉम एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उनको वेरियस फाइलम में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि उनका बॉडी सिमेट्री हो, सीलोम है नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनका फीडिंग हैबिट्स हो, हैबिटेट हो, उस बेसिस पे हम लोग उनको डिवाइड किए। सो उससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, तो सबसे पहला जो हमें डायग्राम है दैट इज ऑफ टेप वॉर्म। एंड ये टेप वॉर्म जो है, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें देन सबसे पहले हम बोल सकते हैं दिस बिलोंग टू द फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, दैट इज ये प्लैटीहेलमिंथस फाइलम का एग्जाम्पल है टेप वॉर्म। एंड फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होते हैं, दे आर बेसिकली एंडो पैरासाइट्स। एंड अगर हम इनके बॉडी सिमेट्री की बात करें देन बोल सकते हैं दे आर बाईलैटरल, दैट इज बाईलैटरल सिमेट्री है इनमें, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दे आर ए सीलोमेट। ए सीलोमेट का मतलब है कि इनमें जो सीलोम है वो प्रेजेंट नहीं होता है। साथ ही साथ दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड साथ एंड नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं दे हैव हुक्स एंड सकर्स, ऑल्सो दे हैव अ स्पेशल सेल्स नोन एज फ्लेम सेल्स। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है टेप वॉर्म। ना नेक्स्ट बी की बात करते हैं, तो बी में हमें जो डायग्राम दिया हुआ है दैट इज ऑफ ऑरिलिया। और ये जो ऑरिलिया है हमारा, ये कौन से ग्रुप में आता है, देन हम लोग बोल सकते हैं दे आर फ्रॉम द फाइलम स्नीडेरिया। नाउ स्नीडेरिया की बात करें तो दे आर फ्री स्विमिंग, उनमें रेडियल सिमिट्री होता है एंड दे हैव स्नीडोब्लास्ट। एंड यही स्नीडोब्लास्ट जो उनमें प्रेजेंट रहता है उसी वजह से इनका नेम भी पड़ा है इनके फाइलम का, विच इज यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। एंड उनमें टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, मतलब उनके बॉडी फॉर्म्स दो तरह के होते हैं, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा। एंड मेड्यूसा बॉडी फॉर्म का ही एग्जाम्पल है हमारा ऑरिलिया भी। तो इसमें क्या होता है कि अगर पॉलिप टू मेड्यूसा जो कन्वर्ट होते हैं उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, हम लोग एसेक्सुअली कन्वर्ट होते हैं, एंड मेड्यूसा जो है उससे पॉलिप में कन्वर्ट होना वो सेक्सुअल कन्वर्जन होता है। सो दिस हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये ऑरिलिया का था कैरेक्टरिस्टिक। नाउ सी की बात करें तो सी में हमें जो डायग्राम दिया गया है दैट इज ऑफ ऑक्टोपस। सो ऑक्टोपस की बात करें तो ये कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है, दे बिलोंग फ्रॉम द फाइलम मोलास्का। एंड इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें बाइलैटरल सिमेट्री होता है, साथ ही साथ बोल सकते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट होता है। सो हियर वी कैन राइट कि इनमें सीलोम प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द रीजन इनको सीलोमेट बोलते हैं इनके ग्रुप को। एंड दे हैव कैलकेरियस शेल, इनमें कैलकेरियस सेल प्रेजेंट रहते हैं, उनके बॉडी को हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ इनमें एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन रहता है जिस वो फॉर्म करता है क्या मैंटल। एंड उनमें साथ ही साथ रेड्यूला भी मिलता है विच इज अ रेस्पिंग ऑर्गन यूज फॉर फीडिंग पर्पस। तो ये हुआ हमारा ऑक्टोपस के बारे। एंड लास्टली डी हम लोग बात करने वाले किसके बारे, दैट इज ऑफ स्कॉर्पियन। सो डी में जो हमें डायग्राम दिया गया है दैट इज ऑफ स्कॉर्पियन, देन बोल सकते हैं कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, दे बिलोंग फ्रॉम द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, इससे बिलोंग करता है वो। एंड फर्दर अगर हम लोग इस फाइलम की बात करते हैं देन बोल सकते हैं कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ये बाईलैटरल सिमेट्री होते हैं एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें भी सीलोम प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द रीजन इनको सीलोमेट एनिमल्स बोलते हैं। एंड इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है इज दैट उनमें काइटेनियस एक्सोस्केलेटन मिलते हैं। एंड इनके बॉडी को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, साथ ही साथ जॉइंटेड अपेंडिजेस प्रेजेंट रहते हैं एंड दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स नोन एज मैल्पिगियन टिब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशंस।
यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सी एंड डी में ट्रू सीलोम प्रेजेंट रहता है. क्यों? बिकॉज हम लोग पढ़े थे सी दैट इज ऑक्टोपस और डी स्कॉर्पियन, दोनों सीलोमेट होते हैं. सीलियर होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.